भोपाल के कमला नगर इलाके के दो स्थानों पर दहशत फैलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनका नाम राहुल नेताम और रोहित ठाकुर बताया जा रहा है। कमला नगर पुलिस ने शबरी नगर घटनास्थल तक दोनों बदमाशों का जुलूस निकाला। बदमाशों ने शराब के नशे में वारदातों को अंजाम दिया था। सभी आरोपी शबरी नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर पुलिस बदमाशों को स्थानों पर चिन्हित करने लेकर आ गई थी, लेकिन पुलिस जब आरोपियों को पैदल ही मौके पर लेकर पहुंची तो वहां लोगों का हुजूम लग गया। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि मौज मस्ती और दहशत फैलाने के मकसद से इन लोगों ने आतंक मचाया था। वारदात के बाद इलाके में दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ था। 2 तारीख की दरमियानी रात्रि में 3 आरोपियों ने पैसे के लेन देन और दारू पीने के लिए जो पैसे मांगे थे उसके आधार पर उन्होंने जब पैसे नहीं मिले तो वहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो फरियादी के घर के आसपास, वहाँ उन्होंने तोड़फोड़ की है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कमला नगर पुलिस ने तत्काल इसमें टीम गठित करके इसमें गिरफ्तारी कर ली है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, कितनी गाड़ियाँ बताई जा रही है? इसमें करीब 7 से 8 गाड़ियाँ हैं, जिसमें ऑटो है, फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं, बाइक्स भी हैं।